सम्माननीय सन्यासी वृंद, आचार्य जी, धर्म प्रेमी बहन और भाइयों, सबको नहीं मिलेगा। और ये जो यज्ञ है, जिस अग्निहोत्र को आप कर रहे हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है, इसकी कोई सीमा नहीं है, कहां तक लाभ मिलेगा और कितने लोगों को मिलेगा। इस यज्ञ का बड़ा महत्व है, ऋषि महर्षियों ने गाया है। बहुत पुरानी बात किसी नीतकार के माध्यम से आपके सामने रख दूं। एक बार कुछ लोग मिलकर के एक विद्वान के पास जा पहुंचे, किसी नीतकार के पास जा पहुंचे, बहन और भाई मिलकर के, और सबने कहा, महाराज आप यज्ञ की बड़ी प्रशंसा करते हो, हमने भी सुनी है, पर आज हम ये पूछना चाहते हैं, यज्ञ से क्या मिलता है, यज्ञ से क्या मिलता है। जब ये प्रश्न किया तो नीतकार कहने लगे, सुनो, यज्ञ से बहुत कुछ मिलता है। वो कहते, मानुष्यम वरवंश जन्म विभो, दीर्घायुम आरोग्यता सन्मित्रम सतुष सती प्रतिमा भक्ति च नारायणे विद्युतम सजनितम इंद्रिय जय सत्पात्रम ज्ञान रति एते यज्ञ बिना त्रयोदश गुणा। कहते हैं, तेरे चीज दुनिया में बिना यज्ञ के नहीं मिलती। जो व्यक्ति यज्ञ करता उनको तेरह चीज मिल जाती है। अब आप कहेंगे, हमारी समझ में पहले तो नहीं आया, वो तेरह चीज कौन सी है जो यज्ञ के करने से मिलती हैं, और यज्ञ नहीं करते उनको नहीं मिलती। तो आप सब लोग चाहते हैं यज्ञ के करने से हमको कुछ लाभ मिले, यज्ञ के करने से तेरह चीज कौन सी मिलती है, सुन लो शांति से। आप सुनेंगे, सुनिए। यज्ञ कर्म का करता जो कहलाता यजमान, यज्ञ कर्म का करता जो कहलाता यजमान, तेरे वस्तु करता है ईश्वर उसे प्रदान। यज्ञ कर्म का करता जो कहलाता यजमान, तेरे वस्तु करता है ईश्वर उसे प्रदान। मानव योनि वरण श्रेष्ठतम वैभवशाली दीर्घायुतन, मानव योनि वरण श्रेष्ठतम वैभवशाली दीर्घायुतन, रोग रहित काया का जो पाता है वरदान, तेरे वस्तु करता है ईश्वर उसे प्रदान। यज्ञ कर्म का करता जो कहलाता यजमान, तेरे वस्तु करता है ईश्वर उसे प्रदान। धन बल के अभिमानी क्यों करता है अभिमान, तेरे वस्तु दुर्लभ है यज्ञ बिना इंसान, तेरे वस्तु दुर्लभ है यज्ञ बिना इंसान।